तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूँ, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर, पांच बेलपत्र चढ़ाकर, एक चावल का दाना शिव को समर्पित कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना, जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में। जितना पवित्र बेलपत्र होता है वैसे ही नियम का वृक्ष होता है। यदि आपके जीवन में पारिवारिक टकराव ज्यादा बढ़ रहा हो, परिवार में समावेश नहीं बैठ रहा हो और परिवार में विवाद जब ज्यादा बढ़ रहा हो, तो नियम के वृक्ष की छाल को पार्वती माता से विनती करके नियम की छाल को निकाल कर ले आओ और तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें वो छाल डाल दीजिए। अपने पूरे परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर वो जल शंकर भगवान को समर्पित कर दो। कैसा भी क्लेश, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, बहुत घर में क्लेश मचा हुआ है, तुरंत करके देखो, आधे घंटे के अंदर सबका बुद्धि, सबकी चित्त, सबकी वृत्ति एकदम शांत होगी, वापस प्रेम बढ़ जाएगा, भगवान शंकर का स्मरण कभी खाली नहीं जाता। मेरे भोलेनाथ औघड़दानी हैं, कभी देने में कमी नहीं करते, बशर्ते उनकी पूजा अर्चना मन से किया जाए। अगर आप एकांत में बने मंदिर में अपनी मनोकामना भगवान महादेव से कहते हो तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देते हैं। जिसके घर में, दुकान में, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, तकलीफ ज्यादा आ रही हो, तो एक नंदी ध्वज बाजार में जहां ध्वज मिलते हो, झंडे मिलते हो, तो नंदी ध्वज ले लो और नंदी ध्वज लेकर उस पर अपनी कामना करके स्वस्तिक बना दीजिए और उस ध्वज को भगवान शंकर के मंदिर पर लगवा दीजिए। आपकी कामना पूर्ण होगी, दुकान व्यवसाय व्यापार बढ़ेगा। यह उपाय आप सावन के केवल पांचवें सोमवार पर ही कर सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको बुखार बहुत तेज आ रहा है, शरीर में ताप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, सब कुछ करो मना नहीं है, पर एक लोटा पानी अपने ऊपर से उतार कर 21 बार नीम के पेड़ में ले जाकर नाम गोत्र बोलकर डाल दीजिए और नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने कंठ पर लगा लीजिए। 10 से 15 मिनट बाद आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नियम का वृक्ष, जो देवी का प्रतिबिंब माना जाता है, जो देवी भगवती का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना कि लड़का अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, बेटी अगर रोएगी, बेटी को दुख होगा, कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। गौ दान करने से पहले विचार करिए, गाय किसी ऐसे ब्राह्मण को मत देना जो 4 दिन साथ में रखे और मालूम पड़े बाद में बेच दे। गाय अगर कसाई के पास चली गई, कटेगी, तो दुख तकलीफ उसको होगी जिसने संकल्प दिया है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।